जाती है। सुबह सुबह आज तो 8 बजे उठना पड़ा। आवाज़ पता नहीं, उठता हूँ तो ऐसे ही हो जाती है। अब रूटीन में आ गया मेरे आवाज़ का ये प्रॉब्लम, और एक आध दो घंटा ऐसी रहती है, फिर अभी कुछ खा पी लूँगा तो वापस जैसी नॉर्मल थी वैसी हो जाएगी। बाल ऐसे क्योंकि अभी गीले है, और अभी हम जा रहे हैं हमारे गाँव। आपको लगेगा एकदम वाइट पहन लिया आज सुबह सुबह उठ के, गंदा होएगा इधर, बात आपकी सच है। बट अभी इसका भी एक रीज़न है क्यों पहना है वाइट, वो आगे आपको व्लॉग में पता चल ही जाएगा कि वाइट क्यों पहना है हमने। और देखो हमारा शैलेश भाई का भी फ़ोन आ रहा है सुबह सुबह, भाणा भाई का, वहाँ पर भी जाना है। बट पहले हमारे गांव जाना है। अब गांव क्यों जाना है? गांव इसलिए जाना है कि हमारे एक बड़े पापा थे जिनकी डेथ हो गई थी आज से 10-12 दिन पहले। अब उनकी आज हमारे गुजराती में तो इन्हें 12मू कहवाए, बट अब हिंदी में क्या बोलते हैं 12मा को? ये भी एक क्वेश्चन मार्क। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि 12वें को हिंदी में क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो उसको 12मू और गुजराती में दाड़ो और 12मू यू कहवाए। तो आज उनका वो मतलब जो क्रियावधि होता है, लास्ट दिन होता है वो है। तो हम सब उधर जा रहे हैं और वहाँ से वापस हम आश्रम के लिए निकलेंगे। सो वेलकम बैक टू द अनकट लाइफ ऑफ प्रतीक आयर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। और ये हमारी मालण नदी है। मालण, आप देखो, मालण तारा नीर, ऐसा गुजराती में गाना भी शायद आया था। और ये पूरा एकदम नारियली वाला एरिया है दोनों साइड। अभी तो आएगा एकदम लगेगा कि आप गोवा के रास्तों में से जा रहे हो। महुआ हमारा बहुत विकसित है पहले से ही। यहाँ पर पहले कोकोनट का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता है। मैं किसी को तो लगता है मिनी केरल में से ही जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता एक आधे किलोमीटर का ऐसा ना कि दोनों साइड कोकोनट ही कोकोनट है। मतलब अच्छा खासा इधर कोस्टल एरिया पड़ता है तो अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है। और इनका पानी जो जितना मीठा होता है ना, उतना मैंने आज तक तो नहीं पिया है। आगे वाले ब्लॉग्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये वाले कोकोनट का पानी कितना मीठा होता है। आज तो अभी 11 ही बजे, बट फीलिंग ऐसी आ रही है ना कि 2-3 बज गए। और क्योंकि अब आज हमने पहले जल्दी लंच और लंच और ब्रेकफास्ट साथ में कर लिया। मानो ना 10:30 बजे हमने लंच ले लिया, ब्रेकफास्ट तो किया नहीं था, जल्दी आना था उसके चक्कर में। ग्लासेस वासेस इसलिए पहन रहे क्योंकि धूप अभी इतनी है ना। अच्छा है धूप आ रही है तो हमारा काम तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। धूप आनी चाहिए बट इतनी भी नहीं आनी चाहिए कि हम सह नहीं पाए। और कैसा लगा है मेरा व्हाइट टी शर्ट, ये भी आप मेरे को बताना कमेंट करके कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी इधर लगेगा अपना ये जो कल वाला एसी लेके आए वो, और ये सब भाई लोग आ गए एसी लगाए। इसको शायद ये जो बाहर वाला कंप्रेसर है इसको इधर डालेंगे। इसमें सब इनबिल्ट ही आता है कंटेनर में, देखो ये इसका स्पेशल ये आ ही जाता है। और कोई टेंशन नहीं रहता, सिर्फ लगाना ही होता है और कनेक्शन ही देना होता है। बट अभी तक मेन प्रॉब्लम ये है कि पावर आया नहीं है। मतलब जो टीसी होता है ना ट्रांसमीटर, शायद उसको टीसी बोलते हैं, तो वो आ चुका है। बट आगे से कुछ जम्पर वम्पर जॉइंट नहीं किया उनकी भाषा में, ऐसा कुछ है, तो उसकी वजह से यहाँ तक पावर नहीं पहुँचा है। मीटर लगाना बाकी है, वो आज के दिन में आ जाना चाहिए, होपफुली आ जाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते कि आ ही जाएगा जल्दी जितना बन पाएगा। और तब तक ए सी वैसी लगवाते, और वो थोड़ा बहुत और भी आज काम निपटवाना है उधर। वो सब देखो जी सी भी चल रहा है, और पाइलिंग का काम तो एज इट इज़ कल चालू था वैसा आज भी चालू ही है। ये पूरा
12 फीट का होगा वो दोनों भाई ने, और अकेले ऊपर से भाई ने अकेले ही ले लिया। आप देखो ऊपर लग जाएगा वो वाला कंप्रेसर बोलते हैं उसको शायद, और क्लाउड्स आज एक नंबर क्लाउड्स है। तुम्हें यहाँ आओ, और अभी वापिस 2 घंटे के बाद वापिस खाना खाने बैठ रहे हैं। यूनुस काका ने जबरदस्ती बिठाया और हमारे भद्रेश भाई ने भी जबरदस्ती बिठाया, बोल रहे आपके बिना खाना ही नहीं खाएंगे। और ये देखो खोलो नहीं इसको, क्या गुजराती में क्या बोलते हैं इसको, बहिणी नहीं, बहिणी तो नहीं बोलते, डब्बो हाँ इसको बहिणी बोलते हैं, बहिणी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं लिख दो। और मस्त देखो एकदम देसी स्टाइल से ये शेड वेड के नीचे खाना खाने के लिए बैठे, और आ चुका है रोटलो रोटली सब्जी मस्त। ऐसे ही पूरे दिन सब्सक्राइबर लोगों का आना चालू ही रहता है। ये जो गाड़ी है ना हमारी एक्सयूवी, वो अभी जा रही है थोड़े काम से बाहर, वो देख के लोगों को पता चल जाता कि पोपट भाई इधर हो गए और उसके भरोसे आ जाते हैं। मतलब उनको गाड़ी देख के, अगर गाड़ी होती है तो मतलब हम होते तो बहुत पब्लिक आती है, नहीं होते तो फिर भी आती है बट इतनी नहीं आती। यहाँ पर हर घंटे मिनिमम तीन चार लोग देखो ऐसे मस्त। हमारे सब्सक्राइबर लोगों का, आप लोगों का प्रेम सपोर्ट ही इतना है ना हमारे साथ, बस यही प्रेम सपोर्ट बने रहना चाहिए। अभी 4 बज गए शाम के, दोपहर का खाना वाना मस्त लंच दूसरी बार करके फिर बैठे थे हम। ये थोड़ा बहुत काम था जो था वो निपटा लिया, फिर एक प्रभु जी आ गए थे अपने आप चलते चलते, एक तो उनका जो मेन वीडियो है वो ऑफिशियल चैनल पे भी एडिट होके आ जाएगा एक दो दिन में। अभी ये प्रभु जी आए, गोविंद जी बढ़िया अपने आप चलते चल के आ गए। सोशल मीडिया आश्रम बनना चालू है, उतने में 4-5 प्रभु जी अपने आप आ गए, अच्छी बात है। हम तो इसी के लिए बना रहे और अभी से ही आना स्टार्ट हो जाए तो। और हमारे राजू भाई क्या कर रहे हो राजू भाई, ये कॉलम बांध रहे हो। आपको हिंदी बोलना आता है? आता है तो हिंदी बोलो ना। कॉलम बांध रहे हैं ना, इसका क्या फिर यूज होगा? बाउंड्री लाइन बनेगा। ओके। और यहाँ पे ये मिलर मशीन चालू है, जो पालीताना वाला भाई ने दिया था सेवा में दिया है कि मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, जब तक अपना कंस्ट्रक्शन चले तब तक आप मिलर मशीन चलाओ। और आप देख सकते हो हमारे साथ कौन आ चुका है, हमारे प्रिय नरेश भाई आहिर। कैसे हो नरेश भाई, बहुत स्वागत है। और जब भी दो ब्लॉगर एक साथ मिलते हैं तो हमारी मस्ती चालू रहती है। और हम दोनों भाई आज ऐसे ही ब्लॉग, मतलब समझो ना 10-15 दिन बाद मिल रहे हैं। 10-15 दिन, 1 महीना हो गया, 1 महीना मेरे ब्लॉग में। आपको पता है मेरे ब्लॉग में बहुत जनता आपको याद करती है कि नरेश भाई कहाँ है, बट नरेश भाई सूरत होते अपना काम करते। मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया था कि नरेश भाई आने वाले, क्योंकि मैंने सोचा था आपको सरप्राइज दूंगा और सरप्राइज दे दिया है। मैंने बोला कुछ तो आपके आज कुछ तो मैं व्लॉग में रखूँ ना, थोड़ा सरप्राइजिंग वाला कुछ तो दोस्तों मेरे चैनल पर जाए नरेश भाई इनके पास आते हैं ना तो और कुछ होता ही नहीं है, बस मेरी चैनल पर जाओ, चैनल सब्सक्राइब करो। बट अपना भाई, उनके सब्सक्राइबर मेरे से ज्यादा है, फिर भी वो मेरे पास सब्सक्राइबर को वो करते हैं, वो अपनी चैनल पर नहीं बोलते कि आप इधर अपनी चैनल पर क्यों नहीं बोलते, तो मेरे चैनल पर आओ वहाँ पे, और नहीं तो क्या। तो चलो अभी तो ये सब देख रहे हो, काम बाकी मस्त चल रहा है। हम गए थे वो जो भाणा भाई अपने ट्रैक्टर चलाने ना, वो ट्रैक्टर लेने के लिए, और सब देखो उधर खड्डा बहुत बड़ा बना रहे, अब क्यों बना रहे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और मेहमान तो आपको देखो गाड़ियां वाड़ियां तो इधर पड़ी रहती है, मेहमान का तो अपना इधर मस्त चलता है, अपने साथ आते ही रहते हैं। यहाँ अपने यहाँ मेहमान का तो भगवान की कृपा से एकदम रहेगा मस्त। आप भी अगर महुआ से नज़दीक से हो तो कभी आओ और विजिट करो हमारे सोशल मीडिया आश्रम पे। और ये सन जो अभी सेट होएगा ना, मतलब जो ये व्यू दिख रहा है ना, आप इसमें तो शायद जस्टिस नहीं कर पाओगे, बट इधर से ना मेरी भाषा में बोलूँ ना, चुम्बेश्वर वाला दिख रहा है। वकील साहब इन द हाउस, कैसे हो वकील साहब? एकदम वकील साहब को मिले भी 1.5 महीना हो गया था। वकील साहब हम आए थे तब बॉम्बे घूमने के लिए चले गए थे सब गणपति में, तो कैसे हो बढ़िया एकदम भाई? एकदम फर्स्ट क्लास है, ताजा मजा। हमारे जिगर जान हार्दिक भाई एडवोकेट, आप भी एग्जाम देके भी आए हो कितने दिन के बाद, मैं आके पूछ ही रहा था किधर है। मैं वो ट्रैक्टर लेने के लिए गया था, वो सवारी पे गए ऐसा बोला था ना, ऐसा कोई
ये आपको पता है ये दोनों लोग ऊपर क्यों चढ़े हैं? ये इसको पीछे से खाली कर रहे हैं तो ट्रैक्टर यहाँ से ऊपर हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। मतलब अभी ड्राइवर बदल रहे हैं, अभी ये कच्चा ड्राइवर था, ये भाई पक्का ड्राइवर है। अभी ये लोचा हो गया इधर बहुत बड़ा, ट्रैक्टर फंस गया पीछे से पूरा का पूरा। ये देखो हिस्सा ही जा रहा है। अभी ये वाले भैया इसको निकालने में थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे यहाँ से। सक्सेस फाइनली। जैसे भी जो चलाते हैं ना वो बोलते ना, जैसे भी कहीं पे भी चढ़ जाती है वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, क्या है भाई क्या है। ऐसा बोला था वो जेसीबी पे ऊपर जो मीम्स बन रहे थे ना वो सच है। ये बंदा यार उधर को व्लॉग नहीं करने दे रहा, उनसे देखा नहीं जा रहा मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो। बोला ना ऐसा बोल रहा था कि जो जेसीबी के ऊपर मीम्स बनते थे ना कि जेसीबी कहीं पे भी चढ़ के काम आ जाती है, वो आज आपने लाइव देख लिया। वो सच बात है भैया, जेसीबी की मस्ती नहीं करने की। जेसीबी और बुलडोजर इन दोनों से तो दूर ही रहने का जीवन में। मामा ने बोला ले भाई, ये देखो कैसे भेगा कर रहे हैं हमारे पोपट भाई। ये रेती जो है ना वो मतलब भीनी माटी है, उसके चक्कर में वो ऐसे जम जाती है तो निकल नहीं पाती है पूरी। और ऊपर का स्काई देखो यार, एक नंबर सीन है, एक नंबर। 3 hours later. एक दो तीन चार पाँच छः सात, इतनी सारी छिपकलियाँ कभी आपने एक साथ देखी है यहाँ पर? तो देखो मेरे मामा कितने अच्छे, उनको लगा भांजा व्लॉग कर रहा है तो उन्होंने लाइट कर दी। वैसा बोल रहा था कि मस्त मामा के घर आके खाना वाना खा के इधर ऐसा सो रहा था, तो मेरे को अचानक से ऐसा विचार आया कि जितनी ऊपर छिपकले अगर मान लो मेरे ऊपर गिर जाए तो फिर मेरा क्या हाल हो, आप सोच लो और कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। रात के ऑलमोस्ट 9:30 जैसे बज गए, अभी हमको महुआ जाना है, वापस साइट पर भी जाना है। तो चलो अब ये व्लॉग में और दिखाने के लिए है नहीं मेरे पास, अभी और काम है, शायद आज रात को भी काम चलेगा। तो अब मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन नए विचारों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक किए बिना मत जाना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।